स्वागत है हबीबा दी कुकिंग में। सत्तू के बहुत ही फायदे हैं और गर्मियों के दिनों में ये तो शरीर को बहुत ठंडक देता है और साथ में एनर्जी भी देता है। बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन भी होता है। आज हम खट्टा और मीठा सत्तू का ड्रिंक बनाएंगे और सत्तू कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना। शुरू करते हैं सत्तू बनाना और सत्तू का खट्टा और मीठा बहुत ही ठंडक देने वाला ड्रिंक। सत्तू बनाएंगे उसके लिए हमने भुना हुआ चना लिया है, इसका छिलका निकाल देंगे। छिलका निकालने के बाद हम इसको मिक्सी में बहुत ही बारीक पीस लेंगे। बहुत आसान तरीका है सत्तू बनाने का। दूसरी तरह से हम काले चने को अच्छे से धो देंगे। धोने के बाद इसको कपड़े से पोंछेंगे। पोंछने के बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे 5 से 10 मिनट में। मीडियम फ्लेम में चने का सारी नमी निकल जाएगी और ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये दूसरा बहुत आसान तरीका है हमारा घर में ही सत्तू का आटा बनाने का। अब हम इसका ठंडा एनर्जेटिक ड्रिंक बनाएंगे मीठा वाला। इसको ग्लास में डालेंगे 2 चम्मच, साथ में हम चाशनी डालेंगे चीनी की, शुगर सिरप डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा खट्टेपन के लिए नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे हम इसमें, और इसको अच्छे से हम फोर्क की मदद से या किसी सर्विंग स्पून की मदद से या स्ट्रॉ की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। जब सारा सत्तू इसमें घुल जाए पानी में और नींबू के रस में, तब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे या गुलाब का जल डाल देंगे। बहुत अच्छी महक आएगी। और ऊपर से हम केसर डाल देंगे। केसर की खुशबू और केसर का रंग बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इसमें हम ऊपर से शुगर क्यूब डालेंगे, अगर चीनी कम लगे तो थोड़ा डालेंगे। बहुत ही हमारा बढ़िया सत्तू का रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट कूल कूल हमारा खट्टा मीठा ये सत्तू का ड्रिंक बनकर तैयार है, जिसके कि बहुत फ़ायदे हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप भी इस ड्रिंक को ट्राई करना और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही एनर्जेटिक है। बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी देना। धन्यवाद।